आज हम बनाने वाले हैं दाल मखनी, लेकिन दाल मखनी को हम इतने सिंपल तरीके से बनाएंगे घर के सिंपल मसालों से, जिसे कोई भी बना सकता है, लेकिन टेस्ट में ये दाल मखनी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट की दाल मखनी को फेल कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। दाल मखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे उड़द दाल ले ली है। एक्चुअली दाल मखनी में होल उड़द दाल पड़ती है, तो अगर आप होल उड़द दाल ले रहे हैं तो आप इसे नाइट में सोक करके रख दीजिए, पर मैंने इसे 2 घंटे भिगोया है क्योंकि ये स्प्लिट उड़द दाल है। और साथ ही मैंने ले लिया है यहाँ पे राजमा, 1 कप के करीब ले लिया है, तो इसको भी सोक करके ओवरनाइट रख दिया था। अब दोनों चीजों को कुकर में डाल के साथ में हमने पानी डाल दिया है 1.5 गिलास के करीब, पानी तो हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। और अब इसे बंद करके कुकर को मैं 4 सीटी लगने तक पका लूंगी हाई फ्लेम पे, और उसके बाद फ्लेम को स्लो करके 20 मिनट पका लूंगी। तो यहाँ पे कुकर का प्रेशर बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारी दाल पक के बिल्कुल तैयार है, अच्छे से पक गई है। इसमें पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो गाढ़ी, लेकिन दाल अच्छे से कुक होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल को गरम कर लेंगे। जब ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें 1/2 छोटी चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है, और जीरा जब हमारा क्रैकल हो जाएगा तो 1 बड़ी प्याज या फिर 2 छोटे प्याज को चॉप करके हम डाल देंगे, और प्याज को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे, 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसमें। और उसके बाद मैंने इसमें 2 सूखे मिर्चे डाल दिए हैं, 2 स्लिट किए हुए ग्रीन चिली डाल दिए हैं। एक्चुअली सूखे मिर्चे हैं तो आप जरूर डालिएगा, काफी अच्छा टेस्ट आता है इससे। और इसको सिम पे या मीडियम से हाई फ्लेम पे पकाते रहेंगे। जब ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें 1/2 छोटी चम्मच के करीब मैंने हींग डाल दिया है, और हींग डाल के हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। और 1/2 छोटी चम्मच के करीब ही मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हमें इसे तब तक पकाना है जब तक अदरक लहसुन का जो रॉ फ्लेवर होता है वो चला ना जाए, तो एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी जब आपका जिंजर गार्लिक अच्छे से भुन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है लेकिन ब्राउन नहीं हुई है, हमें प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो चलिए अब थोड़े मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ले लिया है 1 से 1.5 चम्मच के करीब, और अब मैं इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल दे रही हूँ। एक्चुअली ये रेड चिली तीखी वाली है तो थोड़ा सा डाला है, अगर आप कश्मीरी रेड चिली डाल रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं। 4 बड़े टमाटर का पेस्ट बना लिया था मैंने, उसको डाल दिया है यहाँ पे, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, हम इन मसालों को अच्छे से पकने देंगे। तो चलिए थोड़ा सा ढक के सिम पे मैं इसे पका ले रही हूँ। तो ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं, टमाटर सब चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। तो मैंने इसे बहुत ही सिंपल बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोग सिंपल मसालों से घर में इजली दाल मखनी बना सकें। और यहाँ पे 4 चम्मच के करीब मैंने घर की फ्रेश दूध की जो मलाई होती है उसको डाल दिया है। अगर आपके पास फ्रेश मलाई नहीं है तो आप जो मार्केट में दूध की क्रीम मिलती है आप उसको भी डाल सकते हैं। तो इसको भी डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट पकाएंगे। जब हम क्रीम डालेंगे तो उसे लगातार हम मिक्स करते रहेंगे और फ्लेम को थोड़ा सिम पे कर देंगे। तो ये देखिए क्रीम भी हमारी हल्का सा इसमें बॉईल आ गया है मसालों में। तो अब हम इसमें जो हमने दाल को बॉईल करके रखा था उसको डाल देंगे, और यहीं पे आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, आपको अगर इसमें थोड़ा पानी वगैरह डालना है तो आप उसको भी डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक्चुअली जो दाल मखनी का टेस्ट होता है वो बेसिकली क्रीम से आता है, बहुत अच्छा टेस्ट, तो आपको क्रीम जरूर डालनी है। और उसके बाद इसे बहुत पकाना है, मतलब कम से कम 15 से 20 मिनट सिम पे करके, जब एक बॉयल आ जाए तो सिम पे करके इसे पका लीजिए, जितना पकेगी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो इसको पकते हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़े से मसाले वगैरह और डालेंगे, और थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ यहाँ पे। बॉईल करते समय भी नमक डाला था, लेकिन नमक आप टेस्ट कर लीजिए, और नमक कम लगे तो डाल दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट गरम मसाला, यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैंने गरम मसाला डाला है, क्योंकि हमने इसमें किसी भी तरह के खड़े मसाले वगैरह का यूज नहीं किया है। तो आप इसमें गरम मसाला थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हैं, यानी 1 स्पून डाल दीजिए, हो जाएगा। तो बहुत अच्छी दाल मखनी बनके हमारी बिल्कुल तैयार है। आप चाहिए तो इसमें थोड़ा सा जिंजर को ग्रेट करके डाल दीजिए, और अच्छी खुशबू आएगी। तो इसी हरी धनिए से इसे गार्निश कीजिए,
और 2 मिनट और पका लीजिए। अब भाई बिना मक्खन के तो दाल मखनी नहीं हो सकती, तो ये होममेड मक्खन है 1 चम्मच के करीब, तो मैंने इसे डाल दिया है। आपके पास मार्केट वाला मक्खन है तो आप उसे डाल दीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा सॉल्ट होता है तो ध्यान रखिएगा। और इन सबको डाल के हम थोड़ा से 1 से 2 मिनट और पका लेंगे और ये हमारी दाल मखनी बन के बिल्कुल तैयार है। तो आप इसी तरीके से इस बार दाल मखनी बनाइए और सर्व करते समय भी थोड़ा सा मक्खन डालना ना भूलिएगा। तो आई होप आपको ये बेहद सिंपल तरीके से बनाई गई दाल मखनी की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।